नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। खन्ना में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ढाबे में घुसा, एक व्यक्ति की हुई मौत। संगरूर के खिलरिया गांव में नवविवाहिता की मिली जली लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाया, पति के चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। नाभा जेल ब्रेक मामले में 7.5 साल बाद माननीय अदालत ने सुनाया फैसला, 22 दोषियों को 2 साल से लेकर 10 साल तक की सुनाई सजा। और अब हलचल विस्तार से। खन्ना में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ढाबे में जा घुसा। इस दौरान ट्रक ने एक ढाबा कर्मचारी को रौंद दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 10 से 15 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक सर्विस लेन के ऊपर तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे से एक कार सर्विस रोड पर आने लगी। ट्रक ड्राइवर ने उसे देखते ही एकदम से ट्रक को मोड़ दिया, जिस कारण ट्रक ढाबे के बाहर खड़े एक कर्मचारी पर चढ़ गया। बाकी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रक ड्राइवर पर नशा कर ट्रक चलाने का आरोप लगाया गया है। गुरदीप सिंह जी, ते हादसा की होया, की देखा तुसी? ए सारे ढाबे दे कार क्रॉस होण लगी सीगी, ओ कार लंघी सिद्धी, ए ट्रक तेज आ रहा सीगा, ए गड्डी इधर घूम गई। ते की होया फिर? ए जाके पहला खंभे दे वज्जी जी, फिर मैं पिछे भज लिया, ओ मूहरे मुंडा बैठा सीगा, ਉਹ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਗਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਦਾ ਖੰਭਾ ਵੱਜਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੈਰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਕਾਰ 'ਚ ਕਾਰ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਨ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਏਵਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਅੱਖ ਝਮਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਢਾਬੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਹਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਗੱਡੀ। ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਿਲਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। संगरूर में नवविवाहिता के साथ रेप की कोशिश करने में नाकाम रहने पर महिला के पति के चचेरे भाई की ओर से पहले गला दबाकर हत्या और उसके बाद शव को आग लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए SHO गुरवीर सिंह ने बताया कि बीती 17 मार्च को संगरूर के खिलरिया गांव में एक नवविवाहिता की आग लगने से जली हुई लाश मिली थी। इस मामले की वे जांच कर रहे थे और मृतक महिला के मायके वालों के बयान के आधार पर सास ससुर पति और 2 देवरों पर मामला दर्ज किया गया था। मृतक के भाई ने बयान दर्ज करवाया था कि उनकी बहन को दहेज के चलते आग लगाकर ससुराल वालों ने मार दिया है, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो इसमें मृतक महिला के पति के ताया का लड़का ही मुख्य आरोपी निकला, जो कि मृतक महिला पर गंदी नज़र रखता था। SHO गुरवीर सिंह के मुताबिक वारदात वाले दिन घर में कोई नहीं था। उक्त आरोपी निर्मल सिंह घर में आया और रेप करने की कोशिश करने लगा। जब वह नाकाम रहा तो उसने पहले महिला का गला दबाया, जब उसकी मौत हो गई तो अपने पकड़े जाने के डर से शव के ऊपर सूखा चारा डालकर आग लगा दी, ताकि इसका पूरा इल्ज़ाम इनके ससुराल वालों पर आ जाए। लेकिन अब आरोपी निर्मल सिंह अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही धारा 302 के तहत और पकड़े गए महिला के पति, सास ससुर और देवर, जो कि अब निर्दोष पाए गए हैं, उनको जल्द रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट।
ਇਹਨਾਂ ਮਿਤੀ 17-3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ SI ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ 2 ਦਿਓਰ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 302-201 IPC ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਬਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਏ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22 ਦੋਸ਼ੀਓਂ ਕੋ ਮਾਨਨੀਯ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸੇ ਲੇਕਰ 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ HS ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ NDPS ਐਕਟ ਸਹਿਤ ਧਾਰਾ 395, 120B, 223, 224, 467, 307, 148, 186, 353 के तहत उक्त दोषियों को सजा सुनाई गई है। गौरतलब रहे कि ये मामला लगभग 7.5 साल तक चला, जिसकी प्रोसीडिंग माननीय हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर रोजाना की गई। इसमें गुरप्रीत सिंह मंगेवाल, मनजीत सिंह, गुरजीत सिंह लाडा, असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट भीम सिंह, जगमीत सिंह, मनजिंदर सिंह, सुलखन सिंह, गुरप्रीत बाबी खेड़ा, पलविंदर पिंदा, गुरप्रीत सिंह हो, किरणपाल सुखचैन, राजविंदर, कुलविंदर टिबरी, सुनील कालड़ा, अमनदीप ढोडिया और अमन सहित 2 और व्यक्तियों के नाम शामिल है, जबकि नरेश नारंग, जतिंदर मोहम्मद आसिम, तजिंदर शर्मा, रविंदर बिक्की, सोहोता और रंजीत सिंह को इस मामले में बरी कर दिया गया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना। अमृतपाल सिंह के साथी जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था उन्हें माननीय अदालत में पेश किया गया था, जहां माननीय जज विक्रमजीत सिंह की ओर से उन्हें 23 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया था, जो आज पूरा होने के बाद फिर से पुलिस द्वारा इन 11 नौजवानों को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां माननीय जज द्वारा इन्हें 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मौके पर वकील शुक्रगुजार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 26 नंबर FIR में जो शख्स थे उनमें 279, 186, 506, 326, 427, IPC और 25/27/54 आर्म्स एक्ट के सेक्शन B शामिल किए गए हैं। इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन 29 नंबर और 39 नंबर FIR को लेकर पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमांड भी मांगा गया था। अब 29 नंबर और 39 नंबर FIR को लेकर इन सभी को अजनाला अदालत में पेश किया जाएगा, जिनमें कुल 11 नौजवानों को पेश किया जाएगा। इनमें कौन दोषी है या नहीं इस बारे में पुलिस अधिकारी ही बता सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਖਲਚੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲਚੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 279,
186, 506, 336, 427 आई पी सी के सैक्शन से उन्होंने नाल 25, 27, 54 आर्म्स एक्ट के सैक्शन भी ऐड किए गए हैं। तो इस केस के जो खलचियाँ थाने का है जो बाबा बकाला साहब अदालत के नाल संबंधित है उस विच कोर्ट श्री बिक्रमदीप सिंह जज साहब के पेश किया गया तो उस विच जुडिशियल रिमांड 14 दिनों का कर दिया गया है। पर नाल दे नाल ये भी दसना चाहवांगा कि 2 FIR होर ने जो कि अजनाले थाने दियां ने 29 नंबर ते 39 नंबर जिन्हां दे विच 29 दे विच 307 सैक्शन भी लगा होया है ते 39 दे विच 365 सैक्शन भी लगा होया है। उस दे नाल आर्म्स एक्ट भी लगे हुए ने। उन्हां दे विच पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड मंगिया सी जिन्हां नूं हुण सारे जिहड़े दोषियां नूं पेश किया गया सी उह सारिआं नूं मतलब कि अजनाले पेश कीते जाए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किसान जगतार सिंह की है जो कि अपने ही 3 महीनों की पाली हुई टमाटर की फसल को खुद अपने हाथों से ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहा है। लगातार हो रही बेमौसमी बरसात के कारण जगतार सिंह की 7 एकड़ में बीजी हुई टमाटर की फसल इतनी ज़्यादा नुकसानी गई कि वह बिल्कुल पानी से बर्बाद हो गई और मजबूर होकर जगतार सिंह को खुद अपनी लगाई हुई टमाटर की खेती को अपने ही हाथों से नष्ट करना पड़ रहा है। इस दौरान बातचीत करते हुए जगतार सिंह ने बताया कि उसने 7 एकड़ जमीन में 3 महीने पहले टमाटर की फसल बीजी थी जिस पर उसका 50,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च आया था, लेकिन पिछले दिनों हुई लगातार बरसात के कारण उसके टमाटर की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। किसान के मुताबिक उसने बरसात का पानी निकालने की भी कोशिश की थी पर बारिश लगातार हो रही थी जिस कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। किसान जगतार सिंह ने सरकार से मुआवजे की मांग की और कहा कि उनके खेत में आकर देखा जाए और जो उनका नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं किलापरिया तो रहने वाला जी, मैं बीके जू डकौंदा जिला का खजानची हाँ। अज मैनू इत्थे किसान जगतार सिंह ने बुलाया सीगा जी भी अपनी जी टमाटर की फसल है वह मीह के पानी नाल पूरी तरह बर्बाद होगी। जो आके देखे असी ने बाकी यह फसल है जी मतलब बर्बाद हो चुकी है तो बेमौसमी मीह कारण जिते कणक के मतलब भी झाड़ते भी असर पै रहा है तो उत्थे टमाटर की जी फसल है वह भी मतलब जी पूरी तरह बर्बाद होगी मीह के पानी नाल। इस किसान की कुल जी 7 एकड़ रकबा मतलब टमाटर का बीजा सी, 6 एकड़ रकबा तो अपना सी, 1 किला ठेके से लिया होगा। जे ये खर्चा कह दिए 3 लाख तो ये खर्चा हो चुका है इस किसान का। जी आमदन होनी सी 7 लाख ये आमदन होनी सी, अज ना तो ये पल आमदन पई है ना ये पल जोड़ा खर्च किया पलिया। तो मेरे पिंड दे विच मेरा गुआढ़ी है जी किसान जगतार सिंह, तुहाडे सामने फसल बहुत मजबूर हो पाया जी। तो इन्हें 7 किला टमाटर लाया सीगा, 6 किले ये आपदे सीगे, 1 किला ठेके से लिया सीगा। 7 किले टमाटर लाया थी सरकार ने मतलब जोर दे रही है भी इस दोहरी भिन्नता चक्कर तो बाहर निकल के आपां मतलब कोई नवी फसल लाइए है ना। तो वधिया सरकार ने किसान ने उद्यम किया सीगा, 2-3 सालों तो लाउंदा आ रहा सीगा, पर हुण की होया कुदरत दी मार बेमौसमी बारिश ने इहदी 7-7 किले फसल तबाह करती। देश भर में हम सब आज़ादी से जी रहे हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारे शहीदों ने ही हमें यह पहचान दी और देश की सेवा करने के लिए राह दिखाई, जिसके चलते शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव द्वारा देश की खातिर दी गई शहादत को हम दिल से प्रणाम करते हैं। इसी के तहत नाभा में शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब की ओर से शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर झंडा फहराने की रस्म अदा की गई और नौजवानों द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि हम शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। इलाके के नौजवान असी 35-40 पिंड नौजवान इकट्ठे होकर एक शहीद भगत सिंह क्लब बनाया हुआ वेलफेयर सोसायटी, जिदे असी शहीद भगत सिंह के जन्मदिन से कबड्डी कप करवाने होंगे। तो 23 मार्च में यह नाभा के मतलब पहला चौंक आ जिहड़ा शहीद भगत सिंह के नाम से असी चौंक का नाम रखिया। तो असी 23 मार्च में इतने झंडा लहरा के भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने असी उन्हों की एक यादगार इतने बनानी चाहते हैं। सरकार अगे भी अपील आ, पहला भी सरकारों करी ने अपील भी सानू इतने शहीद भगत सिंह का इतने चौंक बनवा के स्टेचू ला के दिता जाए। कल्ली सिख कौम नहीं, मेरे आईडी सारियां इस चीज़ पर सोचना चाहिए भी जिहड़ा पंजाब का माहौल आ बहुत खराब हो रहा, इनू एक भाईचारक सांझ में रखना चाहिए। सरकार भी चाहिए भी हर धर्म की आपू मतलब कि
सुरक्षित रख रहना चाहिए, हर धर्म की सत्कार करना चाहिए, ना कि आप जुल्म करिए। जंडियाला गुरु में SP जसवंत कौर, DSP हेडक्वार्टर गुरमीत सिंह, DSP जंडियाला गुरु कुलदीप सिंह और SHO मुख्तियार सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पंजाब पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। इस मौके पर DSP जंडियाला गुरु कुलदीप सिंह ने बताया कि अमन शांति और कानून को मुख्य रखते हुए बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान पुलिस पार्टी ने आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की और यात्रियों के सामान की भी जांच की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी गैर कानूनी पोस्ट ना डाली जाए और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचना दी जाए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के संबंध में साढ़े जंडियाले अज फ्लैग मार्च किया गया, जिदे लोकल पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स नाल लेके अमन अमान जिहड़ा शहर में बनिया रहे, कोई यह जी स्थिति ना बने। किसी सानू अपील है, लोगों भी अपील करते हैं कि किसी भी अपने उम्र विच ना कोई आवे, कोई अफवाह विच किसी किस्म के कोई अपनियां ना आउण। इस करके असी फ्लैग मार्च अच्छ सारे शहर में कढ़िया, पूरा महला सारा बैरूवाल रोड सारे शहर के गलियों में असी फ्लैग मार्च। लोगों वास्ते यही है भी अपना अमन मान रखन, किसी की अफवाहों में ना आउण। किसी किस्म की कोई हैगी तो साड़ी फोर्स 24 घंटे तो ना आता। चेतर नवरात्रों के चलते गत रात्रि धर्म गुरु राधेमा अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची। काफी लंबे समय के बाद वे मुकेरियां जिले में शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब आई। वही धर्म गुरु राधेमा का उनके भक्तों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें देखने के लिए उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर धर्म गुरु राधेमा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नवरात्रों के पावन अवसर पर मुकेरियां में समारोह और जरूरतमंद लोगों को सामान देने के लिए वे आई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव जी के आश्रम से राम नवमी के उपलक्ष्य में रथ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि वे राधे माँ हैं, सभी को सही रास्ता दिखाना उनका कर्तव्य है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके भक्त उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बच्चे भी अपने लिए दोस्त की तलाश करते हैं और माता पिता को भी अपने बच्चों से दोस्त की तरह ही व्यवहार करना चाहिए ताकि उन्हें दोस्त की कमी ना महसूस हो और वे अपने मन की बात अपने दोस्त से साझा कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना चाहती हैं और उन्होंने कहा कि वे अपने भक्तों को यही संदेश देती है कि पहले घर की सेवा और फिर देश की सेवा। तो वही सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के दर्शनों के संबंध में उन्होंने कहा कि बाबा जी का बुलावा आएगा तो वह हरिमंदर साहिब के दर्शन को भी जाएंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जब जब मुझे मैं हूँ राधे माँ और जब जब मुझे भक्त बुलाएंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा। ये तो गुरु नानक देव जी की नगरी है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर मैं आई हूँ। हाँ, मैं सब देशवासियों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ और रामनवमी पे सब देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। डॉक्टर साहब साथ आ जाइए। तो इस बार क्या विशेष रहेगा? इस बार मेरे गुरुदेव जी के आश्रम पे, हाथ जोड़ लो, मेरे गुरुदेव जी के आश्रम पे रामनवमी की रथ यात्रा निकलेगी और ये महीना रामनवमी का है और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी
तो जैसे आजकल बाबा बागेश्वर जो है वो भी एक अपना चला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं स्पिरिचुअल सोल हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलती। मेरा काम है कर भला हो भला अंत भले का भला, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब की ओर से शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी के 92वें शहीदी दिवस के अवसर पर जंडियाला गुरु में मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मोर्चे के पंजाब प्रधान निर्मल सिंह छज्जलवड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 92वां शहीदी दिवस मनाया गया, इसी संबंध में यह मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह की सोच को घर घर पहुंचाने के लिए यह मार्च निकाला गया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं कामरेड निर्मल सिंह छज्जलवड्डी, मजदूर मुक्ति मोर्चा जिला जनरल सकत्तर। अज 23 मार्च है जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का अज शहीदी दिन आ, और शहीदा के वारसा का हमेशा यह फर्ज हों भी वह अपने उन्होंने जन्मदिन उन्होंने शहादत का दिन मना। इस करके जंडियाले गुरु के इलाके के नौजवान उन्होंने याद करते हैं, भगत सिंह उन्होंने सोच घर घर पहुँचाने लिए अज जंडियाला गुरु के मार्च कढ़िया। अमृतसर के वार्ड नंबर 41 के भाजपा के वार्ड इंचार्ज कमलजीत कौर और बलविंदर सिंह की ओर से वार्ड में लोगों को रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और वार्ड में आ रही अन्य समस्याओं के हल के लिए मीटिंग रखी गई। इस अवसर पर भाजपा के शहरी प्रधान हरविंदर सिंह, पंजाब महिला मंडल की श्रुति विजय विशेष रूप से पहुंचे। इस अवसर पर लोगों को पंजाब हुनर विकास मिशन के राजेश कुमार ने बताया कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को सरकार द्वारा मुफ्त कोर्स करवाए जा रहे हैं और कोर्स पूरा होने के बाद सभी को कंपनियों में नौकरी लगवाने में मदद की जाती है। अगर कोई अपना कारोबार भी करना चाहता है तो उन्हें सरकार से कर्ज दिलवाने में सहायता भी की जाती है। वहीं इस अवसर पर कमलजीत कौर ने कहा कि उन्होंने यह मीटिंग इसलिए रखी है ताकि उनके वार्ड में महिलाएं अधिक से अधिक इस कोर्स का लाभ ले सकें और आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हम कमलजीत कौर हैगा और मैं महिला मोर्चा दी सेक्रेटरी हैगी हूँ, सेक्रेटरी इन महिला मोर्चा, एज वेल एज मैं अपने 41 नंबर वार्ड की इंचार्ज है। अज असी डीसी ऑफिस तो ऑफिसर्स नू बुलाया सी जिन्होंने साड़िया जिहड़िया अज महिलावां इत्थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हुई सी। मैं उन्होंने स्पैशली इसे लिए बुलाया सी कि तुसी आओ तो तुहानू इह जिहड़ियां स्कीमां जिहड़ियां गवर्नमेंट दीआं स्कीमां हैगीआं इन्हां दे बारे तुहानू सारी जानकारी दित्ती जावे। तो सर उन्होंने आके उन्होंने बहुत सारिया स्कीमां के बारे इन सारिया महात्मा भैणां दे नाल डिस्कस किया ते ओ काफ़ी खुश हुई ये सारिया स्कीमां लैके। और सब तो वड्डी गल है स्कीमां विच तुसी एडमिशन करके मतलब टोटली फ्री है, कोई चार्जस नहीं हैगा। और दूसरी गल है जेडे इन्हां दे सर्टिफिकेट्स आ ये सिर्फ अपने पंजाब या इंडिया च नहीं वैलिड आ, तो बड़ा अच्छा लग्या कि वर्ल्ड दे भी लैवल ते भी ये जेडे सर्टिफिकेट्स आ ओ वैलिड आ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी पर्व को समर्पित बठिंडा के कोतवाली थाने में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से खूनदान किया गया। इस दौरान एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना ने विशेष तौर पर पहुंचकर खुद भी रक्तदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए क्योंकि खूनदान महादान है जिससे कई जानें बच सकती हैं। तो वहीं उन्होंने शहीदी दिवस के मौके पर शहीदों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एनजीओ की मदद नाल एक खूनदान कैंप लगाया जा रहा है ते असीं लोकां नूं अपील करदे हां कि खूनदान महादान है ते जदों भी हो सकदा है वक्त वक्त जदों भी पॉसिबल है उहनां लई उह खूनदान करन। अज दे दिन ते क्यों की कोई खासियत है? अज भगत सिंह जी दा शहीदी दिन है ते उसदी उसनूं समर्पित असीं इक कैंप ऑर्गेनाइज़ करदे हां। मेरा नाम जी सरदार हरसुखजिंद्रपाल सिंह फौजी चंदसर नगर सेवा सोसायटी बठिंडा तो बेनती कर रहे हैं जो कि अज रेगर सोसायटी बठिंडा और कोशिश वेलफेयर सोसायटी चंदसर नगर सेवा सोसायटी वालों अज खूनदान कैंप पुलिस महकमे वालों के संयोग के नाल कतवाली थाना विखे लगाया गया और नाल ही मुफ्त मैडिकल कैंप है जी जिहड़ा अज इस टाइम शुरू हो चुका है ते उद्घाटन करके ते इस टाइम जो ब्लड बैंक ब्लड कैंप शुरू हो चुका है।
स्वच्छ पर्यावरण को लेकर छोटे छोटे बच्चों द्वारा एमकेसी मॉल रमाडा इनक्योर के सामने न्यू जवाहर नगर जालंधर में एक बुक स्टॉल लगाया गया, जिसमें राघव मोटर्स के एमडी गौरव चोपड़ा, महक चोपड़ा के बच्चों गीतल चोपड़ा, गुरीश चोपड़ा, फिजा चोपड़ा द्वारा एक अच्छी मुहिम चलाकर जरूरतमंद बच्चों तक किताबें पहुंचाने की पहल शुरू की गई है, जिसके चलते 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक इस बुक स्टॉल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्र तथा छात्राएं अपने द्वारा इस्तेमाल की गई किताबें दान दे सकते हैं, ताकि ये किताबें गरीब तथा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाई जाएं, जो खुद किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। Throwing away books is a crime, in our opinion. I think that there is no reason for a book to end up rotting in a landfill somewhere. If there is a book that educated us, it definitely deserves a second chance. So today, I am introducing our initiative, which is Help Yourself. This initiative started on 21st March and it will end on 25th March. This initiative helps to conserve paper, which of course leads to fewer trees taken down. The timings will be 12 noon to 3 p.m. If you are ready to join hands with us, you can bundle up your books and you can also give it to us. Good morning, everyone. I, Gaurav Chopra, wanted to introduce you all to our initiative, Help Yourself. Through this initiative, we would like you all to donate your books to us for a good cause. We both are twins and we are 10 years old. In these 10 years, we have realized that we don't use our academic books as we should. So that's why we are making a good cause out of this initiative. So we want you all to donate your books to us. Thank you. Have a nice day. I am Fiza Chopra and I am currently a 10th grader. So our main motive behind this is to save our environment and strive for a clean and a green environment society in the future, because we have realized that we are not using the academics books the way that we should. They are being wasted. And if these books are, if you give these books to us, these are then further given to people, and that is how we will create a cycle, and this will help us, less trees cutting down, and it will be a very safe and a green environment. वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे पास वो स्पेसिफिक सेट है, और कभी भी एमकेसी मॉल आके ऑपोजिट रमाडा एंड पोर आके वो बुक्स ले सकते हैं. सो दैट इज एज वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस, बट देन ऑल्सो हम इस इनिशिएटिव के एंड तक 70-80 बुक्स का सर्कल कर लेंगे. वी वुड कम्प्लीट इट एंड वी वुड मतलब उनसे 70-80 बुक्स लेके आगे डोनेट भी कर देंगे. नो वी आर गोइंग टू डू इट एवरी ईयर. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग एंड वी आर गोइंग टू प्लेस दिस फ्री कैंप एवरी ईयर. I feel like we are going to grow wider and wider and deeper into this as we, with each and every year. This is, ये तो सिर्फ initialize किया अभी हमने, but I think that as the years pass, people will get to know more and more about it, and they'll have a specific time ki now, rather than just wasting their books, they'll know that this is the place where they have to donate and this is the place where they have to take. I've come here with an intention to support these wonderful kids and their initiative for the welfare of the society, and we have come here with the intention to help others. We want to give a message that we should help others. In turn, you're helping yourself, right? So let's begin this. Charity begins at home. So we really want you all to come here and just support these kids and their wonderful cause for the society. Yes, I would really want all my friends to come here, whoever is watching this, and I would post in my social media account as well, to please come forward and help these kids by giving your old books so that someone can actually read them and make them use out of it. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चे अपने पढ़ नहीं पाते हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे जिनको बुक्स की ज़रूरत है वही आप बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में कॉस्ट में कर रहे हैं, और जो जो बच्चे हैं बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं. गॉड इनको बहुत ब्लेस करे, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको भी बुक प्रोवाइड कर रहे हैं.
भाजपा नेताओं ने अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की हुसैनी वाला सीमा पर स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राज्य प्रधान भानु प्रताप राणा की अगुवाई में बड़ी संख्या में नौजवान हुसैनी वाला स्मारक पर पहुंचे, जहां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर नौजवानों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता भानु प्रताप राणा ने कहा कि नौजवानों को छोटी उम्र में ही शहीद भगत सिंह की देश के लिए कुर्बानी के जज्बे से प्रेरणा लेनी चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। शहीद भगत सिंह ने नौजवानों में आज़ादी की रोशनी जलाकर विचारों की क्रांति पैदा की, जो सदा के लिए अमर है। पंजाब के नौजवानों को जागरूक होकर नशों से आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। साडे देश वास्ते, साडी कौम वास्ते एक बहुत बड़ा दिन है कि साडे देश दे अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी ने देश नूं आज़ाद कराउण दी खातर कुरबानी दिती, आपदे आप नूं कौम तों वारदे हुए पंजाब दा नाम उच्चा करदे हुए हिंदुस्तान दी आजादी लई अपना बलिदान दिता। उस बलिदान नूं सजदा करन लई, उस बलिदान नूं नमन करन लई उहनां दे सपनां नूं याद करदे हुए चंगे समाज नूं बनाउण लई और भारत दुनिया की सुपर पावर बने वो सुपने लैके साडे बहुत नौजवान अज सरदार भगत सिंह जी की समाधि के उत्ते एक दौड़ के रूप के एक दौड़ शहीदा के नाम के उत्ते असी आयोजन किया। बठिंडा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावान भाग लै रही, बड़ी बड़ा इकट्ठ है, बड़ा नौजवानों में जोश है। विक्रमी संवत 2080 के शुभारंभ पर राष्ट्रीय हिंदू मंच पंजाब की ओर से श्री रामलीला मैदान दरेसी लुधियाना से प्रधान पवन शर्मा की अध्यक्षता में हिंदू चेतना यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व दरेसी मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सर्वप्रथम पूजन के साथ नव संवत का स्वागत किया गया। समारोह में श्री हनुमान सेवा समिति संगीत परिवार व करण शर्मा ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया व भजनों का गायन किया। इस अवसर पर विवेक धाम से विवेक भारती महाराज, स्मृति भारती महंत नारायणपुरी, महंत दिनेशपुरी, अश्वनी बेदी, गुरुदेवानंद अत्री, योगी भास्करानंद, स्वामी अध्यात्मनंद, गौरव बाबा, स्वामी विश्व भारती आदि संत समाज ने विशेष रूप से पधारकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। समारोह में पूर्व विधायक सुरेंद्र डाबर, प्रदेश भाजपा महासचिव जीवन गुप्ता, प्रवीण बांसल, कांतेंदु शर्मा, पुष्पेंद्र सिंगल, बलवीर गुप्ता, संदीप गुप्ता, एसके चावला, सुनील जसूजा, एके बजाज, केआर सिकरी, श्यामलाल सप्रा, जयकृष्ण सरदाना, राकेश आद्या, राजेंद्र नरूला, भीमराज बैंस, विजय दानव, श्री रामलीला कमेटी से दिनेश मरवाहा, कमल बस्सी, सुनील मेहरा, सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा, राजेश जैन बॉबी, लीना टपारिया सहित कई पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। राष्ट्रीय हिंदू मंच पंजाब के प्रधान पवन शर्मा तथा महामंत्री ओपी त्रिपाठी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। यात्रा श्री रामलीला मैदान दरेसी से आरंभ होकर प्रताप बाजार, माता रानी चौक, घंटाघर चौक से होती हुई प्राचीन गौशाला में महाआरती के साथ संपन्न हुई। मार्ग में भक्तों ने पुष्प वर्षा में खाने पीने के स्टॉल लगाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अलका मल्होत्रा, उमा दत्त शर्मा, साहिल खुराना, विपिन विनायक, रमेश कौशल, अशोक थापर, राजीव टंडन, वीरेश विज, ज्योति गुप्ता, हेमराज अग्रवाल, इंद्र अग्रवाल, प्रवीण ढंग, विपिन सूद, काका अशोक थापर, त्रिभुवन थापर, सुमंत गोयल, अमित गोयल, सुरेंद्र खन्ना, राजू बांसल, प्रदीप गुप्ता, विशाल अग्रवाल, रविंद्र भल्ला, भूषण गोरा, निश्चय, अमित ढंड, शेरी, गौरव पाठक, सुशांत शर्मा, संजीव केसर सहित असंख्य लोग उपस्थित रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय हिंदू मंच द्वारा नव चेतना हिंदू नव चेतना यात्रा का आयोजन हो रहा है।
पूरे देशवासियों नव संबत नव हिंदू संबत 2080 की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। द्रेसी से हिंदू चेतना यात्रा आरंभ होने जा रही है, घंटाघर से होते हुए प्राणी गौशाला में महाआरती के साथ संपन्न होगी। पूरा हर्ष का माहौल है, हर तरफ भगवा ही भगवा हुआ है। सभी से प्रार्थना है कि सत्संग करते हिंदू चेतना यात्रा का एक हिस्सा बने। नवे साल की शुरुआत है, साडे भारत की संस्कृति पहला चेत्र का महीना समत 2080। मैं सारे भारत वासियों नूं और दुनिया के वसदे सारे भारत नूं प्यार करन वाले लोगों नूं अज दे इस शुभ दिहाड़े ते बहुत बहुत वधाई दिंदा और एक बहुत ही वधिया उपराला राष्ट्रीय हिंदू मंच वालों हिंदू चेतना यात्रा अज नवे साल के मौके के उपर मेरे बहुत ही सत्कारयोग पवन शर्मा जी वालों एक वधिया उपराला किया गया जदों हिंदू चेतना यात्रा के नाम पर एक नवे साल की शुरुआत से सारा देश एक होवे, पंजाब दे विच आपसी भाईचारा मजबूत होवे उन्हूं ध्यान च रखदे होए अज दी यात्रा का आयोजन किया गया। सो मैं समझदा एक बहुत अच्छा उपराला है और मैं अज दे इस विशेष दिहाड़े दे उपर जदों भारत की संस्कृति का नवा साल शुरू होया उहदे ते सब नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त मंत्रमाला जाप कर आए हुए समस्त मुख्य यजमानों से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अध्यात्म का परिचय देते हुए कहा कि ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन उनके नाम लेने से ही ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अध्यात्म का भाव होना बेहद जरूरी है। तो वहीं आज द्वितीय नवरात्र पर माँ ब्रह्मचारिणी जी के निमित्त विशेष रूप से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली गई। इस अवसर पर नवजीत भारद्वाज ने 26 मार्च को मासिक हवन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी मां भक्तों से आह्वान किया। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, दीप्ति कौशल, पूनम प्रभाकर, मोनिका कपूर, श्रीकंठ जज, हरिशंकर शर्मा, विक्रम भसीन, संजीव सौंधी, पंकज उपाध्याय, बलजिंदर सिंह, रविंद्र बांसल, प्रिंस कुंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, मोनिका बहल, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, संजीव सामरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुंग, लक्की बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगला मुखी जी। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के एक तो नवरात्रे जिहड़े माँ के पावन नौ चल रहे हैं उन्होंने डेली हवन यज्ञ हो रहा है। अज ब्रह्मचारिणी माता जी के निमित्त हवन यज्ञ होया। माँ बगला मुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ माला मंत्र जाप करन तो उपरांत एक माला माँ ब्रह्मचारिणी जी के निमित्त की गई। नाना प्रकार के जिहड़े व्यंजन है और नाना प्रकार दीयां औषधियां दे नाल महामई दे निमित्त हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां गईयां। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगला मुखी धाम जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ है वह इस बार 26 तरीक दिन रविवार को आ रहा है। सारे समूह संगतां मूहरे करवत प्रार्थना है, माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और मासिक हवन यज्ञ तो वैसे भी 8 हवना जिन्ना जिहड़ा जिहड़े शनिवार वीरवार करदे उन्हां जिन्ना बराबर जोर हुंदा है। आप भी पहुँचो अपने परिवार के नाल आ के
दाती दे दरबार च हवन यज्ञ च आहुतियां डालो और अपनियां झोलियां खुशियां दे नाल भर के लैके जाओ। और नाल इस दे नाल मैं ये भी दसना चाहना कि एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा जो कि नवरात्रे दे स्पैशल ही बनिया, स्पैशल ही सनफ्लावर आयल दे विच जो भी समान बनना है, आलू की सब्जी है, पूड़ी भी जड़ी है कट्टू के आटे की है और सौंखे चावलों की खीर वितरित की जाएगी। आप भी आओ अपने परिवार के नाल महामाई के दरबार से आके नतमस्तक होवो ते अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा शुरू की गई नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या का आगाज हुआ। पहले दिन की भजन संध्या की शुरुआत गायक मास्टर कन्हैया एंड पार्टी ने सरस्वती वंदना के साथ की, जिसके बाद उन्होंने मधुर स्वर लहरियों से मां की मनमोहक भेंटों का गुणगान किया। वहीं श्री राम भगवान के सुंदर भजन सुनाकर सभी मां भक्तों को 29 मार्च को श्री देवी तालाब मंदिर से निकलने वाली श्री रामनवमी शोभायात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, मंदिर के प्रमुख सेवादार व मंच संचालक बलदेव आनंद, रमन शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल हुए। इस दौरान बलदेव आनंद ने बताया कि 23 मार्च को गायक नवीन मणि एंड पार्टी मां भगवती की महिमा का गुणगान करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पवन सजाया कितना सोना तेरा पवन सजाया कितना सोना तेरा पवन सजाया कितना सोना तेरा पवन सजाया जी कर देख लागवा कितना सोना तेरा पवन सजाया। दिल विच तेरा द्वार बसा के तेरा द्वार सजा के दिल विच तेरा द्वार बसा के दिल विच तेरा द्वार सजा के देखी जावा कोल बिठा के देखी जावा कोल बिठा के ओ तेनू दिल वाली जैसे सजाया तेनू दिल वाले सीधे जैसे सजाया तेनू दिल वाले सीधे जैसे सजाया तेनू दिल वाले सीधे जैसे सजाया जी करे मेघ दानवा कितना सोना तेरा पवन सजाया मां तू जंगल से मंदिर लाया नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम के आयोजन अज पहला दिन है, पहला नवरात्रा है महाराणी का, कल दूसरा नवरात्रा होगा। और इस तरह नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम के आयोजन तो बाद जिवें तुसीं जानते हो कि 29 तरीक नूं मर्यादा पुरशोत्तम प्रभु राम जी की शोभा यात्रा जो महाराणी के इस पावन दरबार तो निकलनी है, सारी संगत 29 तरीक नूं महाराणी के दरबार दोपहरे 2 बजे पहुँच के शोभा यात्रा की शोभा वधावे। प्रभु राम जी का आशीर्वाद भी होएगा और महाराणी का आशीर्वाद भी उन्होंने नाल होएगा। सारी संगत नोट कर दे, शोभा यात्रा की शोभा वधानी है 29 तरीक दोपहरे 2 बजे महाराणी त्रिपुरमाली दे इस दरबार तो। श्री राम मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक दुर्गा स्तुति के पाठ साईं 4 बजे से 6 बजे तक करवाए जा रहे हैं।
जिसके चलते मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों ने दुर्गा स्तुति के पाठ कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनकराज सतपाल बिंदु, हरबंसलाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। देवी तला विच वास करन वाली माता दी जय। आज इलाका निवासियों को नव वर्ष सम्मत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज पहला नवरात्र है, इसकी भी सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम मंदिर न्यू शीला नगर बस्ती दानसमंदा में 24 तारीख को जो इलाके में प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं 24 से 29 तक, और पूरे दिन पूरे नवरात्रों में शाम को 4 से 6 दुर्गा स्तुति के पाठ चलेंगे और 29 तारीख को दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा इलाके परिक्रमा करती हुई श्री देवीतला मंदिर के साथ चलकर पूरे शहर की परिक्रमा करेगी। और रामनवमी वाले दिन 29 तारीख को ही हम यहाँ पर रामायण का पाठ रखेंगे और 30 को सुबह 12 बजे रामायण पाठ का भोग किया जाएगा और बाद में अटूट लंगर लगाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। आज के आयोजन में स्वर्गीय ईश कुमार जैन की बरसी पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ यज्ञ समापन किया गया। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन वालों हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती के नवरात्रे कल से शुरू हुए ने, बड़ा ही शुभ अवसर और तुसी सारे बड़भागी हो कि तुसी
इन्ने अच्छे मौके के उत्ते अपनी हाजिरी निभा रहे। अज दूसरा नवरात्रा और दूसरा नवरात्रा जिहड़ा है वह माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्रा है। कल पहला नवरात्रा से जिहड़ा कि शहर पुत्री का नवरात्रा गिणा जाता। शहर पुत्री का मतलब है कि जन्म लेना। जन्म तो बाद फिर आता है कि अपने आप को इस योग करना, योग करना। ब्रह्मचारिणी माँ देवी जिहड़ी सी उन्होंने ऐसा पाठ किया, तपस्या की थी भगवान शिव की कि वह ब्रह्म के समान कहना लग पी कि वो उन्होंने पूजा पाठ के नाल ब्रह्म लोक भी हिल गया सी, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मचारिणी का नाम दिता गया। ठीक है, इदा ही कल का समा जो है चंद्र घंटा का कुष्मा का। श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन में नवरात्रों की शाम माता की चौकियों का आयोजन भजन संध्या के रूप में किया जा रहा है, जिसके पहले दिन प्रसिद्ध भजन गायक चीनू सैगल एंड पार्टी जालंधर वालों ने मधुर भेंटों को गाकर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश अग्रवाल ने सभी माँ भक्तों से निवेदन किया कि वे अपने परिवार सहित नवरात्रों की हर शाम माँ ज्योतावाली के नाम भजन संध्या पर मंदिर परिसर पधारकर माँ की पावन ज्योति का आशीर्वाद लें। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी सदस्यों की ओर से आए हुए अतिथियों को माँ की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर, मंदिर बाबा बुड्ढा जी नगर रामा मंडी के पंडित कुलदीप शर्मा, आरएल ठाकुर, हरनेक सिंह, पंडित वेद प्रकाश, श्री हर हर महादेव मंदिर ब्रिटिश टाउन गांव दकोहा के पंडित राकेश पाठक, जगमोहन सिंह, राजकुमार सोनी, पंडित वीरेंद्र झा, रिंकू पाठक, प्रेमलता, हरजीत मित्तल, सुनीता कुमारी, नितिका, श्री सनातन धर्म मंदिर गांव दकोहा के प्रधान राकेश मरवाहा, मुकेश मेहता, सुदर्शन पराशर, विजय शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, अमित जोशी, चंद्रकांत शर्मा, मधु शर्मा, सुशीला, निशा शर्मा, नैतिक मंदिर श्री बुआ दाती जी गांव दकोहा के संदीप झा, नितिन, त्रिशला देवी, रानी प्रीति, संगीता, कंचन, सीमा, पूजा शर्मा, सुषमा, समीक्षा, मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर दाना मंडी जालंधर के महंत बंसीदास, प्रदीप पांडे, महेश महेंद्र मिश्रा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जो श्री देवी तालाब से जो भव्य शोभा यात्रा निकलेगी उसमें श्री दुर्गा मंदिर की तरफ से और सारी संगत की तरफ से हम देवी तालाब की जो शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसमें शामिल होंगे और उसकी शोभा बढ़ाएंगे। मैं नर्मदेश्वर शिव मंदिर बाबा बुड्ढा जी नगर गढ़ गिरदौर से मंदिर का पुजारी पंडित गुरी शर्मा देवी तालाब से आई हुई संगत को मैं वादा करता हूँ कि जो 29 तारीख शोभा यात्रा रामनवमी के उत्सव में निकाली जा रही है तो मैं अपनी मंदिर कमेटी को साथ में लेकर के शोभा यात्रा में पहुँचूँगा, जिससे देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ये सिया रामचंद्र भगवान की दिन बुधवार जो हमारे देवी तालाब से आए हैं और श्री हर महादेव मंदिर प्रांगण ब्रिटिश टाउन, तो सारे हम लोग चरभर के भाग लेंगे और हमारे कीर्तन मंदिर भी हैं। जलंधर के विच देवी तालाब सिद्ध पीठ देवी तालाब मंदिर के विचों बड़ी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिहड़ा कि दिन बुधवार 29 मार्च नूं ते सारे इलाका निवासियों बेनती है, दकुआ निवासियों बेनती है सबनों
रल मिल के पहुँचना, सब ने हाजरी प्रवान करनी है, देवी तलाब मंदिर दे हाजरी लगानी है सब ने। अभी जरा देवी तलाब तो शोभा यात्रा निकली जा रही है, निकाली जा रही है, उस असी सारे बुआ मंदिर संगत सारे बढ़ चढ़ के साथ आवे। जय माता दी, जय माता। राम आय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जुगल सरकार श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से माँ त्रिपुर मालिनी पीठ देवी तलाव मंदिर से प्रत्येक वर्ष भगवान श्री राम के रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा रखी जाती है। इस वर्ष जो शोभा यात्रा है 29 मार्च को श्री देवी तलाव भगवती के प्रांगण से प्रारंभ होगा और राम जी भगवान श्री राम हमारे प्राण है। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। सनातन धर्म के प्राण की ये शोभा यात्रा है, इसलिए मैं समस्त भक्तों से आग्रह करूंगा कि कोई भी सनातनी हो वो भगवान श्री राम का ही परिवार है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें समस्त धर्मावलंबी चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी परिवार के हों, श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम अपने प्राण अपने धर्म मानकर अवश्य उसमें सहभागिता लें और यात्रा में साथ में जाएं, तन मन धन से सहयोग करें। माँ भगवती, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ भगवती का सिद्ध पीठ हमारे बीच में है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। खन्ना में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक डाबे में घुसा, एक व्यक्ति की हुई मौत। संगरूर के खिलरिया गांव में नवविवाहिता की मिली जली लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाया, पति के चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। नाभा जेल ब्रेक मामले में 7.5 साल बाद माननीय अदालत ने सुनाया फैसला, 22 दोषियों को 2 साल से लेकर 10 साल तक की सुनाई सजा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।